डैड अब तो मैं काम भी कर रहा हूं, अब मेरा रिश्ता लेके क्यों नहीं जा रहे आप लोग? मेरा बोला इतना इतना बोला लगता है यार, देखा है तूने इसका उतावला पन है जुआनी में। मैं भी बेसब्री से इसकी माँ के पीछे ऐसे ही पड़ा रहता था। डैड कभी तो सीरियस हो जाया करें, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी जान पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जा, फिर कर लेना तुम ये शादी। वैसे भी ये लड़की कौन सा कोकाफ की परी है जिसे कोई जिन उठा के ले जाएगा। वेट ना, सबर करो। देखा आपने हमेशा मेरे खिलाफ बात करती है ये। मैंने क्या कह दिया? Am I wrong, darling? हाँ, darling, you are wrong. आ गई darling. ओए बात सुन, ये जाएगी रिश्ता लेके तेरे साथ, और नहीं गई ना तो मैं इसको ठीक करूंगा ना, याद करेगी। बेटा इसकी शक्ल अपनी अच्छी रखा करना, ये मुंह अजीब सा बना के बैठ जाता है। सुने ना डार्लिंग, भाई मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपने बेटे की शादी आखिर उस फकीरती से क्यों करना चाह रहे। अरे इतने फकीर भी नहीं है, वो लोग ठीक ठाक हैं बस। जब से अरमान ने उनके गोदाम में आग लगाई है वो फकीर ही हो चुके हैं। अरे कौन था वो? सब एक मारूंगा ना, ऐसी बात नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। डैड आओ आओ बेटा, आओ जी आओ। सॉरी मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल बोल। डैड आपके अरमान के साथ जो भी प्लान है आप मुझ पे शिफ्ट मत करें, वो जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसे करने दें, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दे दे कोई। और आज भी आप ऑफिस में सारा उसका काम मुझे दे रहे थे, वो माइंड कर रहा था। वाह क्या जबरदस्त बात की है इसने, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी आप भी अरमान को बहुत हर्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं दोनों भाई आपस में लड़ते रहे? वैसे भी इसका क्या मुकाबला अरमान से? एक मुकाबलेबाजी नहीं हो रही कि कौन करेगा फैसला, मैं करूंगा फैसला। मगर डैड ओए जो मैंने कह दिया वो सही है, बस निकल गए उसे, चलो वो कह दिया है ना, निकल। मैं करूंगा फैसला। मैं जिंदा हूं अभी। और तू जो सोच तो लिया करे बच्चों के सामने। बच्चों के सामने है, तू बीच में ना बोला कर, अकल लगाया कर, अकल नहीं है तेरे पास ज्यादा। बात सारी है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।